आज की कहानी का टाइटल है दो डायरी। आज उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। करण साक्षी एक दूसरे से नाराज थे। कुछ देर पहले दोनों में किसी बात पर जोरदार बहस हुई थी और ये नाराजगी उसका ही नतीजा थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उनका प्यार धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों ये बात अच्छी तरह जानते और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वो पहले वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उनके रिश्ते में खटास बढ़ती ही जा रही थी। उस समय करण बालकनी में खामोशी से खड़ा था। साक्षी उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। जरूर हम दोनों में कुछ खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूँ कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझमें जो भी कमियां दिखाई पड़े वो तुम इस डायरी में लिख देना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसे ही डायरी ले ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखा करूंगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे की डायरी पढ़ेंगे और उसमें जो भी कमियां लिखी होंगी उस पर चर्चा करेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। करण तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले साक्षी ने अपनी डायरी करण की तरफ बढ़ाई। करण डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई तोहफा नहीं दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, तुम्हें तोहफा देना चाहिए था। दूसरा पन्ना, जब मेरे मम्मी डैडी हमारे घर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर से लौटे। मम्मी डैडी के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा, तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बुना था लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे, क्या मैं इस काबिल भी नहीं। इसी तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। करण ने जब डायरी पढ़ ली तब साक्षी बोली, मुझे लगता है कि अब से तुम ये गलतियां नहीं करोगे। करण ने हाँ में सिर हिलाया। फिर साक्षी ने करण की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना वो भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। साक्षी ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वे नाराज होते हुए बोली, तुम मेरी एक बात भी नहीं मान सकते, मैंने साल भर इतनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना तक नहीं लिख पाए। करण ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब लिख दिया है। साक्षी ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर साक्षी, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है, इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमियां नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां बौनी है। हजारों कमियां हैं मुझ में, इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हर दम मेरे साथ रहती हो। भला अपनी परछाई की भी कोई कमी निकालता है। तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और इसी तरह तुमसे लड़ते झगड़ते और प्यार करते हुए अपनी सारी जिंदगी गुजार देना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर साक्षी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने उसी समय अपनी डायरी पति के हाथ से छीन ली और उसे जला दिया, साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी। दोनों ने फैसला किया कि वो जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ और ढेर सारे प्यार के साथ। शादी एक ऐसा रिश्ता है जहां 2 अनजान लोग एक होकर पूरी जिंदगी गुजारने का वादा करते हैं। अब 2 लोग एक जैसे तो नहीं हो सकते, इसलिए हमारा साथी जैसा भी हो उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसकी अच्छाई भी और बुराई दोनों के साथ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यार से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।